जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि आडा इस समय तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर के इतनी उत्साहित क्यों नजर आती है, क्या वाकई तेजस मार्क टू राफेल से बेटर प्लेटफॉर्म होने वाला है, तो आइए इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में हम सब जानते हैं कि जून 2023 में भारत और अमेरिका के बीच में एक इम्पॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है, जिसके आधार पे भारत में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का निर्माण किया जाएगा, जो कि 80% इंडिजिनस कंटेंट के साथ होंगे। और इसके बाद तेजस मार्क टू प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीलरेट हो जाएगा। अब अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो प्रभुला चंदन वीके, जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम्स है आडा में, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि तेजस मार्क टू की जो पहली उड़ान है वो हमें 2025 में देखने को मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तेजस मार्क टू को रोल आउट होने में 18 महीने का टाइम लगेगा और उसके बाद 6 महीने और लगेंगे इसकी पहली उड़ान को आयोजित करने में। अगर हम संक्षेप में बात करें तो तेजस मार्क टू का जो रोल आउट है वो हमें 2024 के अंत में देखने को मिलेगा, वहीं इसकी पहली उड़ान 2025 के मध्य तक हमें देखने को मिलने वाली है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक ने जो पैक्ट साइन किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के सामने आई है वो ये है कि इंजन टेक्नोलॉजी तो भारत को ऑफर करी ही जाएगी, लेकिन जो हमारा फाइटर जेट होगा उसमें 90% जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंडिजिनस होने वाले हैं। इस समय हमारा जो फोकस है प्राइमरी वो स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार सिस्टम, वेपन सिस्टम्स और दूसरी कैपेबिलिटीज़ में है, जिनमें से अधिकतर का निर्माण भारत में किया जाएगा, इजेक्शन सीट्स और कुछ सेंसर्स को छोड़ करके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का होने वाला है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये सिंगल इंजन फाइटर जो भारत बना रहा है ये कई मायनों में डसाल्ट के राफेल प्लेटफॉर्म से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और सबसे खास बात यहाँ पर हमें देखने को ये मिलेगी कि आने वाले निकट भविष्य में शायद इसके ट्रेनर वेरियंट्स भी बनाए जाएं। हालांकि इनिशियली इसके सिर्फ सिंगल इंजन वर्जन पे काम किया जा रहा है, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं कि निकट भविष्य में शायद हमें कोई ट्रेनर वेरियंट भी इस पे आधारित दिख जाए। अब अगर हम प्रोडक्शन टाइमलाइन की बात करें तो रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2028 से 29 के बीच में इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी कमी को पूरा करेंगे। हम किस कमी के बारे में बात कर रहे हैं आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता के बारे में। हम सब अच्छे से जानते हैं कि वर्ष 2030 तक भारतीय वायुसेना की 3 जैगुआर स्क्वाड्रन और 3 MiG-21 स्क्वाड्रन रिटायर हो चुकी होंगी, और इस प्रकार भारतीय वायुसेना के पास 6 स्क्वाड्रन की कमी होगी। हालांकि इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी 83 तेजस मार्क 1A के कंधों पर होगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन सब के बावजूद भी हमारी जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो 31 से 32 के बीच में ही रहेगी, या हो सकता है किसी वर्स्ट के सिनेरियो में ये 30 तक भी पहुँच जाए। लेकिन हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो अनुमानित क्षमता होनी चाहिए 2.4 की स्थिति में वो 42 की होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि वर्ष 2030 से 35 तक का टाइम वो टाइम होगा जब भारतीय वायुसेना के MiG-29 और Mirage 2000 को भी चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जाएगा, और उनके गैप को फिल करने की जिम्मेदारी होगी तेजस मार्क टू के कंधों पर। और इसके लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से इस समय आशा में है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करेगा। इनिशियली जो भारतीय वायुसेना है वो फर्स्ट फेज में 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क टू की खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फेज टू में एडिशनल जो 4 स्क्वाड्रन है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदी जाएंगी। अभी 2 दिन पहले ही मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी आडा के वैज्ञानिक की, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो इनिशियल फेज में खरीद होगी तेजस मार्क टू की वो 98 किलोन्यूटन के इंजन के साथ होगी, लेकिन इसके बाद अतिरिक्त जो खरीद होगी फेज टू में उसमें शायद हमें और भी पावरफुल इंजन देखने को मिल जाए, या हम यूँ कह लें कि तेजस मार्क टू का ही एक अपग्रेडेड जो वेरियंट है वो देखने को मिल जाए, जिसमें हमें एमका की एवियोनिक्स और 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो देखने को मिल सकता है। खैर, अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी HAL ने इसकी पुष्टि या आडा ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। तेजस मार्क टू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। ये एक ऑल वेदर सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसको 4.5 प्लस जनरेशन की श्रेणी में रखा जाएगा। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग एंड्योरेंस और एडवांस सिस्टम से इक्विप होकर के आएगा। वहीं इसमें स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा।
इसके जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगी और इसमें आपको एडवांस एसआर रडार जो कि भारत का उत्तम एसआर रडार है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, UEWS और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी देखने को मिलने वाले हैं। मार्क 1 की तुलना में जो मार्क 2 है ये बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म होगा और अपने कैटेगरी के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में इसकी गिनती करी जाएगी। तेजस मार्क 2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा, जहां पर इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे और इन 11 हार्ड पॉइंट्स में ये 6.5 टन के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होने वाली है। अगर हम इसे मिराज 2000 से कंपेयर करें जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है, वहीं उसमें टोटल 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें वो 6.2 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है। उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 टन की है। वहीं अगर हम इसे साब ग्रिपन से कंपेयर करें जो कि MRFA प्रोग्राम में एक दावेदार माना जा रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.5 टन का है, वहीं उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी कर सकता है। उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की लेंथ की बात करें तो वो 14.65 मीटर्स की होगी, वहीं इसका जो स्पैन होगा वो 8.5 मीटर्स का होगा और इसकी जो हाइट होगी वो 4.87 मीटर की होने वाली है। तेजस मार्क 1 की तुलना में मार्क 2 का जो विंग एरिया है वो काफ़ी चौड़ा है, जहां पर ये स्कैल्प बॉम्ब को भी कैरी कर सकेगा जिनका वजन 1350 किलोग्राम का है। लेकिन अगर हम मार्क 1 या मार्क 1A की बात करें तो उनके पास स्कैल्प को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो उपलब्ध नहीं है। तेजस मार्क 2 को पावर करने के लिए एक सिंगल जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी सहायता से इस एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड मार्क 1.8 की होगी। वहीं इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो ये +9 से -3.2 की जी लिमिट को विथस्टैंड कर सकता है। अब आइए तेजस मार्क 2 के कुछ एडवांस फीचर्स पर नज़र डाल लेते हैं। तेजस मार्क 2 को एक इंटीग्रेटेड एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एटर रडार से इक्विप किया जाएगा जो कि 912 TR मॉड्यूल्स के साथ में आएगा और इसमें DRDO की लैब जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जाना है और इसे FSO यानी फर्म सेक्टर ऑप्टोनिक्स के नाम से पुकारा जाएगा जो कि -80° की कवरेज अजीमथ पे और -40° की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। अगर हम इस सेंसर की बात करें तो ये शॉर्ट और मीडियम वेव इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल करेगा टारगेट को ट्रैक करने के लिए। वहीं इसके आने से जो कैपेबिलिटी है एयर प्लेटफॉर्म की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें एक लेज़र रेंज फाइंडर भी दिया जाएगा जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की रेंज पे जो टारगेट है उसकी जानकारी प्रदान कर सकेगा और ये जो FSO है इससे स्टेल्थ फाइटर्स के अगेंस्ट भी काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है और कहा जाता है कि ये जो FSO है या IRST है इसके आने के बाद तेजस मार्क 2 के पास वो कैपेबिलिटी होगी कि वो एडवर्सरी फाइटर जेट को साइलेंट मोड पे या यू कह ले पैसिवली हंट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। तेजस मार्क 2 में आपको यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी देखने को मिलेगा जो कि रडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में होगा। उसमें डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में आपको ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जेनेटिक सिस्टम भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से पायलट को जो एडिशनल ऑक्सीजन बॉटल्स हैं वो कैरी करके नहीं ले जाना पड़ेगा जैसा कि मार्क 1 वेरियंट में किया जाता है। और इसके चलते जो अगर हम मार्क 1 की बात करें तो वहाँ पर जो एंड्योरेंस टाइम है वो काफ़ी लिमिटेड होता है जो कि 1 से 2 घंटे का ही होता है। लेकिन ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जेनेटिक सिस्टम आने के बाद तेजस मार्क 2 के जो पायलट्स हैं ये तकरीबन 8 घंटे तक लगातार बिना किसी दिक्कत के ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकेंगे और इस प्रकार जो मिशन इफेक्टिवनेस है वो भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिनका इस्तेमाल आपको तेजस मार्क 2 में होता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा स्मार्ट हेडअप डिस्प्ले, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, अपग्रेडेड फ्लाइट डेटा कंट्रोल कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इस समय तेजस को पूरी तरीके से इंडिजनाइज भी किया जा रहा है और हमने हाल ही में रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको अवगत करवाया है कि इस समय DRDO स्वदेशी तौर पर जो रिफ्यूलिंग प्रोब है, खासकर रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब है, उसको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए विकसित कर रही है। वही जो होटास है यानी हैंड्स ऑन टोटल एंड स्टिक कंट्रोल, उसको भी विकसित किया जा रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 में साइड स्टिक कंट्रोल हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।